सब क्या कहते हैं मेरे भाई, दारू आप नहीं पीते हो, शराब आप नहीं पीते हो, आपको पीता है, लीवर खराब हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, कोलाइटिस अल्सर हो जाएगा, सीओपीडी हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ बहन आती है ना, ये अंगूर की बेटी जब अंदर जाती है ना तो साथ में सिगरेट भी मांगती है, साथ में कुछ और भी मांगती है, तो लंग्स के कार्बन लेवल अनबैलेंस होगा, सीओपीडी हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, बहुत सारी सखियां आएंगी उसके साथ। अब आखिरी में बच्चे पानी नहीं देंगे तो क्या कह रहे हैं, मुझको तो था बनाना बनाना, मुझको तो था बनाना बनाना, मुझको तो था बनाना, भट्टी शराब की इंसान बना के तूने मेरी मिट्टी खराब की, पीते आप हो हम भी पिया करते हैं, गिरते हो नजरों से लोगों के आप, हम तो रोज चढ़ा करते हैं, पीने का हमारा अंदाज जो शाम को पिए सुबह नाली में मुंह मार मार के उतारता रहे, ऐसा नशा करो जो जिंदगी में उतरे ही नहीं, रोज पीते जाओ, इन आंखों में वो नशा है, और जब ये पियोगे तो ऐसे हो जाओगे कि वाकिफ नहीं है शायद मेरी नजर के जादू से, वाकिफ नहीं है शायद मेरी नजर के जादू से, एक नजर देख लो तो मुर्दा भी चलना सीख जाता है। भगवान श्री हरि ने अवतारों की बात करी है, चौथा अवतार भगवान ने महाराज कपिल के स्वरूप में लिया, जो सभी सिद्धों के स्वामी है। भगवान का पुनः अवतार माताओं ने जब भी मांगा है तब भी भगवान ने दिया है। और छठा अवतार दत्तात्रेय के स्वरूप में लिया, अब आप ध्यान देंगे कि पंचमा कपिलो नामः सिद्धेश काल विलुप्तमः प्रोयचा सुर सांख्यम तत्व ग्राम निर्णयम खष्टे अत्रेर पयत्वं वृत्वः प्राप्तोन अनुसूयया आमिक्षि मालकाय प्रहलादीभ्य पूचिवान। दत्तात्रेय अनुसूया की बात आती है, सती अनुसूया की बात अगर आए तो ऐसी माताएं होनी चाहिए। महाराज कपिल के
सानिध्य में जीवन गुजारने के बाद तीनों देवताओं ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए है। अनुसुईया के द्वार पे पहुंच गए। देखिए 24 प्रकार के गुण हैं और 24 ही अवगुण है। अभी जिसे आप प्रेम कहते हैं ना, प्रेम, प्रेम का अर्थ क्या है आप लोगों की समझ में? प्रेम की परिभाषा देखा जाए तो क्या है? हम लोग भी जाते हैं कि जगत में प्रेम एक है सार, लेकिन आज के जमाने में प्रेम यानी क्या? आप बताइए प्रेम किसे कहेंगे? हमने भी एक पुस्तक लिखी है, व्हाट इज द लाइफ, उसमें हमने प्रेम का विश्लेषण किया है। काफी पुस्तकें लिख चुका हूं मैं, बहुत सुंदर संग्रह मेरी पहली पुस्तक थी गुरु गीता, दूसरी पुस्तक मेरी आई आरोग्य ही जीवन है, तीसरी पुस्तक थी HIV क्या क्यों कैसे और क्या है आयुर्वेद, अभी मैंने लिखा है व्हाट इज द लाइफ, और अभी एक और पुस्तक लिखना चालू किया है जिसकी टाइटल है कि पीपल्स लाइफ इज प्री प्लान्ड आल्सो एंड प्री प्लानर इज गॉड। खाली समय में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि संन्यास का अर्थ है स्वाध्याय, पठन पाठन चिंतन। उसमें मैंने इस प्रेम का उल्लेख कराया था। प्रेम को मैंने 3 स्तर पे बांटा, आज के मानव का स्वभाव नीचाई की ओर बहने का है, जैसे पानी सदैव नीचे की ओर बहता है, ऐसे मानव उथले हुए स्वार्थ मात्र के लिए, क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक भोग और विलास के लिए कोई भी अनैतिक कार्य को तत्पर हो जाता है, जबकि पानी के गुण को नहीं धारण करता। पानी का गुण है कि शराब में मिलाओ तो दिखाई नहीं पड़ता ना अलग, दही में अलग दिखता है, सब में मिलता है, लेकिन स्वयं में सदैव पारदर्शी और शीतल रहता है। समभाव है, शत्रु है तो आपकी तृप्ति नहीं करूंगा, मित्र है तो ज्यादा कर लो, ऐसा भी भाव नहीं। ये जल के गुण हमें देखने चाहिए। प्रेम का पहला कारण अभाव। अगर किसी के जीवन में अभाव नहीं है तो उस पर आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पढ़ते अभाव, चाहे वो प्रेम का अभाव हो, चाहे उसे समझने वाला कोई नहीं हो, चाहे उसका कोई मोरल सपोर्टर ना हो। जैसे एक रोगी वैद्य से प्रभावित होता है, क्योंकि उसकी आस है ये मुझे सही जीवन दे सकता है। और डॉक्टर्स भी, हम लोग जब पेशेंट को ट्रीट करते थे, खैर हमारे यहाँ तो अभी मेरे 3-4 हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, अभी भी मेरे पास सही ढंग से देंगे तो 50 से ज्यादा MD, लेकिन बस वक्त का खेल है, दरवाजे बदल गए, अब नया घर बनाना है। मैं मशहूर है हमारी कंपनी शिव आयुर्वेदा फार्मेसी, अब हमारी कंपनी का नाम है ब्रह्मांड आयुर्वेदा फार्मेसी, ISO सर्टिफाइड कंपनियां हैं, और हम संपूर्ण भारत में क्लिनिकल व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसे शिविर लेते हैं, बाद में अपना अस्पताल खोल लेते हैं आयुर्वेद का, जिसमें आदमी का फिजियो भी फ्री, चेकअप भी फ्री,
ड्रिप्स वगैरह भी फ्री, पंचकर्मा फ्री, सिर्फ औषधियों का मूल्यांकन दिया जाता है उनसे। ऐसी एक छोटी सी सोच है, इस पे हम काम कर रहे हैं अभी। यूपी, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, एमपी, ऐसे कार्य चल रहे हैं। शायद ऐसा कुछ इस धरती की आवाज हो, क्योंकि जब तक हो जाए बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो आकस्मिक को बुलाए। और अगर आप लोगों का स्नेह रहा तो भाई मैं छोटा हूँ, छोटा ही काम करूँगा, पर ढोंग और पाखंड नहीं कर पाता, ये मेरी मजबूरी है। आपके आज जितने लोगों ने देखा, आप आज देखे, आपने देखा शायद, शेखाव साहब सुबह आपके ही पड़ोसी थे, कोई हाथ भी ऐसे नहीं कर सकते थे, हिल भी नहीं सकते थे। मेरी माँ भगवती ने मुझे जो तेज दिया है, जो मेरी माँ ने सिखाया है, जो मेरे गुरुओं ने सिखाया है, 13 मिनट से ज्यादा नहीं लगा होगा, वो आदमी दंड बैठक भी लगाने लगा, चलने लगा और हाथ भी उठा के गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमीरों के तो कई भगवान हैं, थोड़ा सा गरीबों के लिए जिंदगी जीजिए। दीपावली के बाद हम आपके यहां जैसी व्यवस्था ठाकुर जी कराएगा, चाहे 5 बेड बोलो, 10 बेड बोलो, या जैसे भी, कुछ समय किराए के ही घर में रहेंगे। बाकी जिसकी कृपा, जिसको सेवा करानी, वो सब व्यवस्था करा लेगा। दीपावली के बाद यहाँ पर परमानेंट ब्रह्मांड आयुर्वेदा फार्मेसी जन सेवा केंद्र शुरू हो जाएगा। हमारी एम्बुलेंस, हमारे डॉक्टर गांव गांव में जाएंगे, जहां कोई नहीं जाता, और वही व्यवस्था में सेवा करेंगे जो आज आप देख रहे हैं। 100 रुपया रजिस्ट्रेशन, औषधियां फ्री, क्योंकि एक गरीब आदमी आ नहीं आ सकता, उस गरीब के पास 100 रुपये नहीं है आने के लिए, और वास्तव में नारायण उस गरीब में ही। अमीरों का तो स्टेटस हो गया सर, आपने देखा है कि थोड़ी देर में रिजल्ट आया, लेकिन आप अगर किसी अच्छे को कहना, पैसे बचाने के चक्कर में किधर भी घुस जाते हैं, और बड़े गर्व से बोलते, अरे मैं तो जेजे हॉस्पिटल में गया, मुंबई के डॉक्टर को दिखाया, उससे बड़ी डॉक्टर तो हमारी मम्मी है, अजमा लेना दादी के नुस्खे, लिख लो आप लोग। कितना ही खतरनाक ब्रोंकाइटिस हो जाए, कितना ही खतरनाक सीओपीडी हो जाए, जब सांस लेने में दिक्कत आए, खाली खाली भीम सैनी कपूर सूंघ लेना, 2 मिनट में आदमी नॉर्मल हो जाएगा, और उस समय 200 ग्राम तेल सरसों का, 40 ग्राम आजवा, 15 तुलसी के पत्ते, 30 भृंगराज या ब्राह्मी के पत्ते डाल देना, थोड़ी सी हल्दी डाल देना उसमें, और उसको उबाल लेना, उसे चेस्ट पे मसाज करना, सिकाई करना, 2 दिन बाद डॉक्टर साहब से पूछना, डॉक्टर साहब बोलेंगे अब नहीं है, सरसों के तेल में इतने हैवी इंग्रेडिएंट्स हैं कि जितना पुराना होता है उतना ही पेन खत्म कर देता है। हमने तुलसी डाला है, तुलसी में स्टेराइड है, हमने हल्दी डाला है, हल्दी में स्टेराइड है, और इसके साथ जो वाइंडिंग एजेंट्स जब आते हैं तो एंटी एलर्जिक हो जाते हैं, तो वात और कफ दोनों मर जाता है और आदमी ब्रोंकाइटिस से बच जाता है। बट भारत का दुर्दैव है कि हम भारत की सनातन की विद्या को स्वीकार नहीं कर पाते। यानी पहला भाव था अभाव से ही आपके पास कोई आया है, दूसरा है पार्ट प्रभाव। एक अज्ञानी ज्ञानी से प्रभावित होगा, एक निर्धन धनवान से प्रभावित होगा, एक रोगी वैद्य से प्रभावित होगा,
और जैसे जैसे उसके जीवन में अभाव खत्म होगा आपका प्रभाव खत्म हो जाएगा। जैसे ही उसके जीवन से अभाव खत्म हुआ आपका प्रभाव खत्म। फिर आखिरी में आता है मानव का असली स्वभाव और उसे दिखाए बिना तो कोई रह नहीं सकता। इसलिए मेरी कल्पना में सांसारिक प्रेम पिघले हुए बर्फ का पानी हो जाने जैसा है जो दोबारा पिघलाने से जमाया नहीं जा सकता, क्षणिक। इसकी एक छोटी सी कल्पना कथा की तरफ चलेंगे। मैं प्यासा बिंदु, विश्वास की माँ का नाम आस है, और जब तक किसी की आस पूरी नहीं होगी अपनी माँ पे कोई विश्वास नहीं कर सकता, स्वयं पे विश्वास नहीं कर सकता। जैसे एक प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाने से तृप्ति मिलती है, ऐसे सांसारिक मैथुनी जगत के अंदर जब तक माता पिता की इच्छा पुत्रों से पूरी ना हो तब तक उनकी आत्मा को तृप्ति नहीं। तुम्हें प्यासा बिंदु, जन्म भर का इस जग का प्रेम है पल भर का। Thank you.